हाय फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं चैनल टू रास्ता आ जाए रसोई के समय जानकारी साथ। आज जो जानकारी है वो हमारे एक व्यूअर्स के कमेंट पर, जो कि आप देख सकते हैं, जो कि नेम ट्रांसफर से रिलेटेड है। इन्होंने ये लिखा है, अगर एक लाइन में हम बताएं तो, कि अगर किसी की डेथ हो गई है, अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो उनका नाम ट्रांसफर कैसे कराएंगे, क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट चाहिए लीगल ईयर में, सारा कुछ हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे और पूरा जो है वेबसाइट के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं कि जरूरी कागजात जो है क्या क्या चाहिए वहाँ पे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। तो हमारे अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। मोबाइल से करने के लिए आप जो है गूगल क्रोम का उपयोग करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करके आप सीधा जो है डेस्कटॉप मोड पे कर देंगे। तो हमने जो है गूगल खोला हुआ है, यहाँ पे टाइप करेंगे माई LPG, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। फर्स्ट ही आपको मिल जाएगा myLPG.in home, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का नया इंटरफेस खुलेगा। वीडियो स्किप नहीं करेंगे वरना आप समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे जो है मैं इंडियन का बता रहा हूँ, तो इंडियन का जो सिलेंडर है यहीं पर आपको सिंपली से क्लिक करना है, तो एक नया इंटरफेस खुलेगा। यहीं पर आपको सारा कुछ मिल जाता है, जैसे कि लोकेट डिस्ट्रीब्यूटर, 5 KG कनेक्शन, फाइंड योर 17-डिजिट LPG ID, और यहाँ से ऑनलाइन कंप्लेंट करेंगे। इस पर मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बनाया हुआ है, तो यहीं पे आपको मिल जाएगा अदर सर्विसेज, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक नया इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पे चौथे नंबर पे आपको मिल जाएगा नेम चेंज फॉर LPG कनेक्शन। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट चाहिए सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप इसको जो है यहाँ से सेलेक्ट करके और इसका जो है हिंदी में, इंग्लिश टू हिंदी में जाएंगे और सारा कुछ आपको यहाँ पे हिंदी में आप समझ लेंगे। मैं पूरा नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पे जो है वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसी तरह से बड़े आसानी से आप सारा कुछ जो भी इसका क्या क्या कागजात इसमें चाहिए, जैसे डेथ सर्टिफिकेट चाहिए लीगल ईयर में, जो कि एक परिवार के ही सदस्य में जो कनेक्शन ट्रांसफ़र होता है उसके लिए चाहिए, सारा कुछ यहाँ पर आप समझ लेंगे। इसका जो है कॉपी करके हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी में आप जाकर के सारी जानकारी ले सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ किया हुआ है। सारा जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं और मुख्य रूप से बताते हैं कि एजेंसी में जो है क्या क्या कागजात आपको चाहिए, जो कि जरूरी डॉक्यूमेंट्स होता है। आशा है कि आपको समझ में आ गया हो। अगर आपने वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करके इंग्लिश टू हिंदी पूरा अगर पढ़ा हो, तो अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं अपने कम शब्दों में लास्ट में यही समझाने का प्रयास करूंगा कि डेथ केस में, यानी कि किन्हीं की मृत्यु हो गई है, अगर उन्हीं के परिवार मेंबर में अगर नाम को ट्रांसफर कराना है तो उसके लिए तो मृत्यु प्रमाण पत्र जो कि नेसेसरी चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ SB ओरिजिनल पेपर जो कि आपको कनेक्शन कराने के समय उन्हें मिला होगा वो, और ब्लू बुक, ये तीन पेपर लेकर के आप वहाँ एजेंसी में जाएंगे। और जिनके नाम से ट्रांसफर कराना है उनके फैमिली मेंबर में, उनका आधार कार्ड चाहिए, उनका बैंक का जो है खाता चाहिए, और उनके नाम से बड़ी आसानी से आपका ट्रांसफर हो जाएगा, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं उस पर जो है आपका वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। अब रही बात कि उसमें जो है चार्ज क्या लगेगा, तो चार्ज का ऐसा मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना सकता हूं, क्योंकि सभी एजेंसी के अलग अलग अपने आपका चार्ज होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ इक्विपमेंट तो देना है नहीं, कोई सामान तो देना है नहीं, लेकिन फिर भी वो जो कागज़ देते हैं तो पेपर चार्ज के नाम पर आपसे कुछ लेते हैं और कुछ सिक्योरिटी मनी बोलते हैं कि जो आपका चला गया था वो जमा कीजिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो भी आपसे वो चार्ज लेंगे, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा ले रहे हैं तो आप उनसे ओरिजिनल बिल लीजिए और एजेंसी का जो है मोहर उस पर जो है ये कर लीजिए, बोली कि इसमें मार करके जो है हमें दीजिए। अगर आपको ज़्यादा लगता है कि हाँ ये हमसे ज़्यादा लिए हुए हैं तो उस पर आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं, उस पर मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बनाया हुआ है। आशा है कि जो भी आप बिल उससे मांगेंगे तो वो आपसे ज़्यादा चार्ज नहीं लेगा। तो आज का जानकारी यही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।